फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में नहीं तो हट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांभो। काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। जिनसे उधार लेने उनके हर 5 मिनट में फोन पे फोन आते रहते हैं, और जिनसे पैसे लेने वो फोन नहीं उठाते। हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए किस्मत चाहिए। आज पिछला मैंने जहर खाने की कोशिश की, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। 70 लाख कहाँ से लाओ भी? 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को, दूं अंदर से निकाल के। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम लोगों के पास पैसे हो तो तुम लोग मंगा के खा लेना। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है। कौन है हमारे पास? न गाड़ी है, न पैसा, न बंगला, न नौकर है, न चाकर है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हर पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। मैं अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा है। बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं? 100 रुपये और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। ओहो, दिल के अरमां आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए वाला केस है। असल में तुम अपने मामू के मानने वाले हो। हाँ गुड आंसर। देखो कितना बुजुर्गाना था और माला मजाक उड़ाने से बैक है, तुम वापस भी जाना। और ये मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि इंजीनियर सामने नहीं बैठता। इंजीनियर सामने के थोड़े कार वाड़ के बैग है। इंजीनियर सामने निकाल कर रहे हो और थोड़े बच्चे ने मोबाइल ही चाहिए इंजीनियरों तक हो। हाँ وآخر شيء حبيبي مولاي وعيوني مولاي نبي الله نوح الحنون الحنون نوح اقرأ حياته صارت السفينة هيجي تشوي بي قال إلهي عبرت الكرة الأرضية ما خفت مثل هذا الخوف قال له أنت بكربلة نوح لما قال يا حسين استقرت على الجودي هدأت يبي أن علي كان يخرج من تحت الأرض ذهب. شنو أقرأ الرواية موجودة وأنا متأكد منها، ما يحتاج ما يحتاج أقرأ. أنا أجاوبك وأنت تسأل، هذا هو الواضح. واضح ولا مو واضح؟ لا ما أقرأ، ما أقرأ، أنا موجود بكتبي، هذا موجود بكتبي، أنا ما جالس أكذب أتهم. شنو أقرأ الرواية؟ إنه كان في نعم. आप क्या, अच्छा आप क्या माना लेते हैं? दोस्त और मोहब्बत का माना। दोस्त और मोहब्बत का माना लेते हैं, ठीक है। कि यानी रसूलुल्लाह ने कहा कि जिस जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं, जिसका मैं महबूब हूँ उसके अली महबूब है। हमारे नजदीक ये माने। एक बात, अच्छा एक बात पूछ सकता हूँ। हजरत उमर ने मुबारकबाद दी थी, कहा था कि अली आज से आप मेरे और हर मोमिन और मोमिना के मौला हो गए। दूसरे दिन जैसे सुबह हुई थी, मैंने आपके प्रोग्राम में नेशनल टीवी पर बैठ के ये बात मैंने आज से 5 साल पहले बयान कर दी थी मुबारकबाद। अच्छा, कहा था कि आज से आप मेरे और हर मोमिन और मोमिना के मौला हो गए। बिल्कुल मुबारकबाद दी थी। अच्छा, अगर हम मौला के माना दोस्त ही लें तो क्या हजरत उमर इससे पहले उनको अपना दोस्त नहीं समझते थे? इससे पहले मौलाए कायनात पर इल्जाम भी नहीं लगे थे। नहीं, हजरत उमर आप देखें, आपका तो दावा ये ना कि खुलफा में और हजरत अली अलैहिस्सलाम में दोस्त तो पहले भी, दोस्त तो पहले भी थे। दोस्त में तो कोई शक नहीं है, कोई मसला नहीं सर। ऐसी है ना, हम है ना। अल्लाह मौला और है, अली मौला और चीज है, ये दोनों अलग चीज है। मौला का लफ्ज अरबी जुबान के अंदर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अहले बैत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, सहाबा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स्ट में बताएगा कि यहां पर मौला का माना क्या है। जिस तरह सूरत अल-बकरा में अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, तो जाहिर है यहां से तो मौला से मुराद मुश्किल कुशा है, वो तो सिर्फ अल्लाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सूरत अन-नमल की आयत नंबर 62 है ना, अम्मन युजीबुल मुद्दर्र इज़ा दअा, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, और तुमसे बुराई को, तकलीफ को दूर करता है, वयजअलुकुम खुलफाल अर्द, और तुम्हें जमीन पे अगलों का खलीफा करता है, यानी तुम्हारे बाप दादा के बाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है जो तुम्हारी तकलीफ दूर करे? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा जिस शख्स के बारे में तुम्हारा यकीदा है, तुम्हारी मुसीबत और परेशानी दूर करेगा, तो गोया उसे तुम खुदा मान रहे हो। इसको मैंने बड़ी आसान मिसाल से समझाया कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। तो बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। वो अल्लाह की मर्जी, फरिश्ते भेजे, जिन्नात भेजे, कोई बुजुर्ग भेजे, हवा भेजे। बुजुर्गों को अंबिया को, जिन्नात को, फरिश्तों को, सहाबा को, अहले बैत को पुकार नहीं सकते मदद के लिए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ज़ाहिर इमदाद जरूर करें। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में ना करो। मैं आपसे कहता हूं मुझे पानी पिला दें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बगदाद में दफन कब्र के अंदर मैं कहता हूं पानी पिला दें, इय्याक नस्तईन की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि आप दुआ के लिए पुकार रहे हैं। वो अल्लाह की खुसूसियत है, ये है अल्लाह मौला। तो ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है। ये मौला कोई भी नहीं है जो अल्लाह मौला है, मददगार, मुश्किल कुशा, हाजत रवा। एक मौला का माना है दिली महबूब, जिससे आप आला दर्जे की मोहब्बत करते हैं, तो वो तो फिर सारे ही हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हम दुरूद शरीफ क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद, अल्लाह हमारे आका और हमारे मौला को दुरूद भेज। हत्ता के कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 4 में आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, नबी अलैहिस्सलाम का तो मौला है अल्लाह व जिब्रील, और जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन और सारे सहाबा भी, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और फरिश्ते भी इसके बाद उनके मददगार हैं। यहाँ पे मौला मददगार के मानों में आया है, लेकिन कौन सी मदद जो अल्लाह की इज़्न से, उसकी इजाजत से आती है। और वो क्या, अल्लाह ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानसार सहाबा दिए हैं, तो वो जो सहाबा मददगार हैं वो अल्लाह की वजह से। लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई सहाबी फौत हो गया तो हुजूर से मदद के लिए पुकार रहे हो कि ग़ज़वे उहद में हज़रत हमज़ा शहीद हुए तो आप खंदक में कह रहे हो मदद या हमज़ा, या खैबर में पुकार रहे हो। खैबर में उसी को बुलाया के सामने मौजूद था मौला अली, मरे हुए को नहीं पुकारना। उस तरह की मदद तो आप करेंगे, वो ज़ाहिर इस बाब में आती है। फरिश्ते, कुरान हकीम में आया कि अल्लाह की तरफ से ग़ज़वे उहद और बदर में सूरह अल-अनफ़ाल में आते हैं मदद के लिए उतरे, लेकिन कभी हुजूर ने कहा अल मदद या जिब्राइल, अल मदद या मिकाईल, नहीं, अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने फिर ड्यूटी लगाई तो जिब्राइल भी मौला नबी अलैहिस्सलाम के, सहाबा को आपने आपकी हाथ मजबूत किए, सहाबा भी मौला, मददगार भी, लेकिन जारी इस बात है फरिश्ते भी। तो कुरान में लिखा है मौला ज्यादा हो सकते हैं। और जो मुस्लिम शरीफ से हदीस पेश करते हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को सैयद और मौलाना कहो, उस हदीस को पूरा पढ़े, वो अल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। उन्हीं हदीस में इजाजत है कि अगर वो अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो आप कह सकते हैं। तीसरा, मौला का माना है ऐसे गुलाम के लिए भी मौला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था जिसको उसका आका आजाद करते हैं। जैसे हजरत सफीना को क्या कहा जाता है, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये इतने महबूब थे नबी अलैहिस्सलाम को कि आपने इनको आजाद कर दिया गुलाम को। वो कहते हैं मौला अली वाली हदीस अली बयान करता है, बाकी सहाबा को भी मौला कहा, हजरत ज़ैद को, और वो वाला मौला नहीं कहा हुआ कि मन कुंतु मौलाहु फहदा अली मौलाहु, वो मैंने तो होना है, वो अज़म करना मैं आस्ता था, वो अज़म करा रहे हैं, सारे माने बताऊंगा। वो जिस तरह वो मियां मोहम्मद साहब का वो शेर है ना, जिस मोहम्मद लोग की कलमा पढ़ दे वो मोहम्मद और, क्योंकि उन्होंने अपने शायरी में ना अपना नाम रखा हुआ था मोहम्मद। तो जब वो शेर आता था तो इधर भी कई लोग सैफुल मुलूक सुन रहे होते हैं, मोहम्मद आता है तो मुठे भी चूम रहे होते हैं, वो हालांकि मोहम्मद बख्श रहा है वो मोहम्मद। फिर उन्होंने शेर भी हालांकि क्या क्या इनको भी तक नहीं पता चला। तो वो शेर में वो कहते हैं जिस मोहम्मद लोग की कलमा पढ़ दे वो मोहम्मद और, तो मैं मोहम्मद और, तो भाई जी ज़ैद इब्ने जो हारिसा अला मौला और, तो मौला अली अला मौला और। ठीक है, सिर्फ अल्फाज के बराबर होने से बातें एक जैसी नहीं हो जाती। तो ये वाला मौला का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। फिर एक और मौला है, और वो है पुश्त पना के, आका के, सरपरस्त के। ये वाला जो माना है ना, ये सबसे पहले जिस पे फिट होता है ना, वो हमारे इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में है सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 6 में, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी अलैहिस्सलाम औला हैं, मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, मोमिनीन के सरपरस्त हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की मां हैं। तो सरपरस्ती के मानों में, आका के मानों में मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पे। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि एक मकरूज का जनाजा लाया गया तो नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि मैं मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ लो। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा रसूलल्लाह मैं इसका कर्जा अदा करूंगा, तो आप अलैहि सल्लम ने फिर जनाजा पढ़ा दिया। उसी हदीस में आगे आता है, उसे आप भी कहते हैं कि जब नबी अलैहि सल्लम को अल्लाह ने माली तौर पर वुसअत दी ग़ज़वे खैबर के बाद, उसके बाद अगर किसी का जनाजा आता था ना तो आप अलैहि सल्लम यही आयत तिलावत करते थे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, और फिर आप कहते थे मैं सबसे बढ़कर सरपरस्त हूं, इस मकरूज का जनाजा, इसका जनाजा पढ़ने से पहले कर्जा मैं उतारूंगा। पीछे सरपरस्तों का काम है ना उतारे बुरा का, तो आप फरमाते थे ये जो फौत हुआ ये मेरे बच्चों की जगह, मैं मालिक गनीमत से इसका कर्जा उतारूंगा। तो इस बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत नबी अलैहिस्सलाम अपने आप को सरपरस्त कहते थे बाकियों का। तो ये जो फिर आयत हुई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इसका मतलब क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम आका हैं, सरपरस्त हैं, या वली हैं, शिया वली का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, सारे मोमिनीन के। ये आपने याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब अगली बात बताने लगा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद फिर इस उम्मत में जिसको मौला का लक़ब मिला ना, इन मानों में वो मौला अली हैं रदियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहि सलाम व करम अल्लाहु वजहुल करीम। और वो गदीर खुम की हदीस है सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं 6225 से 6228 तक। नबी अस्सलाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खूम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बातों में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसलिए आप सही मुस्लिम में हदीस 6225 से 8 तक 4 हदीस के ऊपर बात पता क्या है? फजाइल मौला अली। हालांकि इस मौला अली का कहीं नाम ही नहीं है, वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की बाप बांधे इमाम नबी को पता था किस मौके पे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहां कौन था, वो आपको डिटेल हदीस पे मिलेगी। जामिया तिरमिज़ी में उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी, सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में और मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुल मौलाहु। और इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त है, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे, इतना हक है। अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के यही समझना, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा क्या तुम मेरा हक विलायत या हक सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? साहब ने कहा भला यार सुन, तो आप मुझे बताया आप तुम ही तो ये बना रहे हैं हक विलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए, कहते हैं अपनी तरफ से कहा है नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी अलैहिस्सलाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आप जब ये आयत तिलावत की, साहब ने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुंतु मौलाहु, फिर जिस जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अलीयुल मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफन, उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में ग़ुलूब करके और एक मेरी दुश्मनी में। तो मोहब्बत में ग़ुलूब करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफ़िदी हैं, तो ये दुश्मनी में ग़ुलूब करने वाले कौन है? खुद है ये जो बयान कर रहे होते हैं, इसलिए वो छुपा जाते हैं। अल्लाह माफी दे आपा, वो शहजाद भाई ने सुनाया सी, हमारे एक शहजाद भाई है ना, तो वो एक अहले हदीस भाई को ना ये हदीस सुना रहे थे, तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसने आगे सवाल कर लिया कि ये जो दुश्मनी करने जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो ये शिया राफ़िदी हैं, तो ये जो दुश्मनी में बुक्स रखने वाले ये कौन है? तो उन्होंने कहा यार आपा असील होगा तो देख ले आप मौला अली आप कह दें तो चिड़ सारे पंजे झाड़ के निकल लिए। मौला तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह तआला के खिलाफ कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने ख्याल भी नहीं किया, उनका तारिक जमील गुमराह हो गया। इसलिए तारिक जमील साहब ने भी इन पे 4 तकबीरें पढ़ दी हैं, उनको पता चल गया कि ये लोग तो यानी सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ मौला का माना सरपरस्त है। फिर वो क्लिप चढ़ाई में बड़े बड़े मुफ्तियों ने, वो कहते हैं जी आगे अल्फाज पढ़े, आगे लिखा है अल्लाह उसे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तो इसका मतलब है कि ये मौला का माना था दिली महबूब, और पीछे पढ़ो पीछे है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, समझ आई? जैसे बरेली कहते हैं आगे पढ़ो आगे सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे कहना पीछे पढ़ो पीछे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कब्रों को मंगने वाले नहीं अल्लाह को मंगने वाले, और इस दिन सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता नबी अलैहिस्सलाम का। तो कुछ आगू पढ़ दे रहे कुछ पीछे पढ़ दे रहे। स्टार्ट की दिस से हुई अन्नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सर ये जो बातें मैं कर रहा हूं इंशाल्लाह ये मेरे जब क्लिप चढ़ रहे हैं ना क़यामत तक के लिए मुंह बंद हो जाएंगे जो क्लिप चढ़ाए हुए हैं जी, और मौला का ये माना नहीं हुआ है, सारे माने मैंने बयान कर दिए। अब लोग खुद फैसला करेंगे कि यहां पे मौला का माना क्या है जब ये आयत पढ़ी जा रही है अन्नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। और बल्कि मुस्नद अहमद में अल्फाज है, हमारे नजदीक तो वो वाला हिस्सा ज़ईफ है, लेकिन कितने मुहद्दिसीन हैं जो उसको सही समझते हैं इंक्लूडिंग बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्ग, कि जब नबी अलैहि सलाम ने ये फरमाया तो सैयदना उमर ने आके हजरत अली को कहा कि आपको मुबारक हो, आप तो सारे मोमिनीन के मौला बन गए हैं। तो हजरत उमर जब ये कह रहे थे कि आपको मुबारक हो आप मौला बन गए हैं, तो हजरत उमर को भी पता था मैं मौला हूं, तो हजरत अली को कहना चाहिए था यार मौला तो तुम भी हो, सारे सहाबा से मोहब्बत रखनी चाहिए। हजरत उमर खुद मौला नहीं थे क्या? थे। तो अली को क्यों कह रहे हैं कि मुबारक हो आप तो सबके मौला बन गए, और सारे वो यही वाले मौला बने अन्नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। तो ये अक्सर कहते हैं कि वो अली मौला कहने से वो जो है ना फिर वो उस तरफ लोग चल पड़ेंगे। तो सर वो तो आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद पढ़ेंगे तो वहां तो मौला ना है जो कुरान में अंता मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, तो आप दुरूशी में मौलाना पढ़ना छोड़ देंगे। तो देखें आप अहले बैत की दुश्मनी इंसान को कहां तक ले जाती है कि आपको फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। तो बेहतर यह कि आप सुबह शाम तस्बीह निकाला करें, सिर्फ एक दफा कह लिया करें क्या ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना हम 100 कार्ड वाबी है, कोई इल्मी बात करे वाबी की गाली दे देते हैं अपने जोम में से गाली समझते हैं, और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, हम इल्मी किताबी हैं। तो मौला अली हमारे मौला है जी, और इंशाल्लाह हमें क़यामत वाले दिन मौला अली के साथ हमारी दुआ है, अल्लाह ताला में उनके साथ मशहूर फरमाए, अहले बैत के साथ मशहूर करे और मौला अली के दुश्मनों को, उनसे बुग़्ज़ रखने वालों को आले उमैया के साथ मशहूर करे जिनकी वो तरफदारी कर रहे होते हैं।